देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेस्ट एस रिप्रेजेंटेशन। और लास्ट जो वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन है उसके रूल्स पढ़े थे। इसके अलावा अपने जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है उसके अंदर अपने को आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ा था। ठीक है, अब आज इसमें देखिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेस्ट एस रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए, इसके अंदर अपन इसको चार तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन एक ट्रिक पढ़ेंगे। वो देखो कि यदि जो फोर्थ ग्रुप होता है वो डैश पे होगा, ठीक है, या जो फोर्थ ग्रुप होगा वो कहाँ हो सकता है, वेज पे हो सकता है, ठीक है, और या प्लेन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो प्लेन के अंदर भी दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। देखिए, प्लेन के अंदर या तो यहाँ फोर्थ ग्रुप हो और या प्लेन के अंदर यहाँ फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट हो। फोर्थ ग्रुप मीन्स फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप। ठीक है, जब डैश पे फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आएगा तो आपको जो आंसर आता है वो एज सच रखना है। मीन्स यदि आर अपना आंसर आ रहा है तो आर रहेगा, और यदि एस आ रहा है तो क्या रहेगा, एस आंसर होगा। और यदि वेज पे अपना फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आता है तो आंसर क्या हो जाता है, रिवर्स। ठीक है, मीन्स आर यदि आपका आंसर आ रहा है तो एस हो जाएगा, और एस यदि आंसर आ रहा है तो आपका आर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ऐसा होता है, मतलब प्लेन के अंदर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप आता है, तो आपको जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसके अंदर क्या करोगे, आप इवन चेंजेस करोगे, और इवन चेंजेस करके इस फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को कहाँ ले आओगे, या तो वेज पे ले आओगे या क्या ले आओगे, डैश पे। जब वेज पे ले आओगे तो ये वाला रूल लग जाएगा कि आर आता है तो एस, एस आता है तो आर, और डैश पे ले आओगे तो आंसर क्या रहेगा, एच सच। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे, आप इनको प्रायोरिटी डिसाइड कर लोगे। तो आयोडीन को क्या करोगे, फर्स्ट नंबर दोगे, उसके बाद में इसको सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। मीन्स फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है। इसका मतलब अपने को आंसर क्या रखना है, एच सच रखना है। तो एक से दो, दो से तीन की तरफ अपने को इसको रोटेट करना है, और किस कैसे रोटेट करोगे, आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तब ये आएगा फोर्थ ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्लॉकवाइज मीन्स इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। कल कायरेटिव रूल पढ़ा था, यदि क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं तो उसको आर लिखते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे तो, रोटेट करोगे तो क्या होगा, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या रह जाएगा, आर का आर ही रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ये एक एग्जाम्पल लिया है, सबसे पहले आप इसके अंदर प्रायोरिटी डिसाइड करोगे। तो देखिए, सबसे डायरेक्टली कार्बन है, जो कायरल कार्बन है वो कार्बन से जुड़ा है, इसमें नाइट्रोजन से और इसमें कार्बन से और इसमें हाइड्रोजन से। सबसे पहले क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो देखेंगे, तो वो उसमें क्या नाइट्रोजन, तो इसको दे देंगे वन नंबर। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। अब अपन नेक्स्ट एटम की तरफ मूव करेंगे, तो इसमें कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, दो हाइड्रोजन और एक फ्लोरिन। और इसमें आप जब मूव करोगे तो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इधर भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ओ एच, ठीक है, और इसके साथ भी क्या रहेगा, कार्बन। जब आप इसको एक्सटेंडेड करोगे मल्टीपल बॉन्ड्स को तब ये आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का तो ज़्यादा होता ही नहीं है, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का। ठीक है, इसका मतलब इसको दो नंबर देंगे, ये तीन नंबर पर आएगा, चार नंबर पर अपना कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ आ रहा है, वेज पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, अपन रिवर्स कर देंगे। तो एक से दो, दो से तीन, और उसके बाद में क्या करोगे, रोटेट करोगे, तो अपना आंसर क्या आएगा, इसमें आर आ रहा है, इसका मतलब इसको आंसर को क्या करना है, रिवर्स करना है, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर, एस। ठीक है, क्योंकि वेज पे ग्रुप होता है तो अपन क्या करते हैं, आंसर को रिवर्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। इसमें सबसे पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, तो ये वन नंबर पे, उसके बाद में टू पे, ये थ्री पे और ये फोर पे। अपना जो फोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो कितने नंबर पे, वो प्लेन ऑफ द पेपर पे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इवन चेंजेस करेंगे।
और ये जो इवन चेंजेस होता है, ये एक फीसर प्रोजेक्शन जो फॉर्मूला होता है उसका करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे करते हैं, वैसे ही इसमें करना है अपने को, ठीक है। तो आइडेंटिकल अपने को प्राप्त हो जाएंगे जब से ही अपन इवन चेंजेस करेंगे। तो पहले कर लेते हैं फर्स्ट चेंज, ठीक है। फर्स्ट चेंज के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, अपन ये फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप ही डेस्क पे ले आएंगे। और डेस्क वाला ग्रुप कहाँ जाएगा, प्लेन ऑफ दी पेपर पे। तो देखिए यहाँ पे आ गया सीएल, और यहाँ पे जो डैश है उस पर क्या जाएगा अपना फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप, कौन सा, हाइड्रोजन। और ये टू प्रायोरिटी थी इसकी, और वेज पे कौन है पहले से, एफ है, और यहाँ पे कौन है, आई है। अब इसके अंदर अपने को एक चेंज और करना है, सेकंड चेंज। और जैसे ही आप सेकंड चेंज करोगे तो ये क्या इवन चेंजेस हो जाएगा, और अपने को क्या मिलेगा, आइडेंटिकल मिलेगा, ठीक है। सेकंड के अंदर देख लो अपन क्या कर सकते हैं, इस फ्लोरीन को यहाँ से इसके ऊपर चेंज कर ले और इसको यहाँ ले। देखिए ये क्या आ गया है यहाँ पे, और वेस पे कौन आ जाएगा, आयोडीन, और ये सीएल, और ये डैश पे अपना फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा, हाइड्रोजन। अब वही प्रायोरिटी वन, इसकी टू है, इसकी थ्री थी, और इसकी फोर। अब रोटेट करेंगे वन से टू, टू से थ्री, ठीक है। तो ये वन से टू, टू से थ्री मीन्स अपना क्या आ रहा है, इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है, एस आ रहा है, ठीक है। और जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे रहता है तो जो आंसर आता है वही रखते हैं अपन, एस सच रखते हैं, कोई रिवर्स नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस कॉन्फिगरेशन, ओके। वेस्ट डैश के बाद में आर एस कॉन्फिगरेशन ऑफ चेयर कन्फर्मेशन, जो भी चेयर कन्फर्मेशन है उसके अंदर अपना आर एस कॉन्फिगरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चेयर के अंदर क्या होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, एक तो एक्सियल पे होते हैं और एक इक्विटोरियल। तो देखिए इसमें एक्सियल ग्रुप्स कौन से होंगे, इक्विटोरियल ग्रुप्स कौन से होंगे, ये मैंने इसमें शो कर दिया है। तो इसमें अपने को क्या करना है, एक चीज़ याद रखनी है कि जो अपर ग्रुप्स होते हैं, अपर एक्सियल सॉरी, जो ऊपर वाले जो एक्सियल्स ग्रुप होंगे, मीन्स इसके अंदर ये क्या है, इधर से मान लो कि ये ऊपर वाले एक्सियल, मीन्स दो हैं ऊपर एक्सियल, ठीक है। इसके अलावा ये तीसरा भी क्या है, एक्सियल है। तो जो ऊपर वाले एक्सियल हैं वो तो अपन मानेंगे वेज, क्या मानेंगे, वेज। और जो लोअर एक्सियल ग्रुप्स हैं, एक्सियल ग्रुप्स, उनको क्या मानोगे आप, डैश, ठीक है। जैसे मान लो इसको अपन कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अपर जो एक्सियल ग्रुप कौन कौन से है, जिसमें एक्सियल ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहा है, एक स्टार लगा देती हूँ, एक येरा, एक येरा और एक येरा। इनको तो अपनों को क्या मानना है, वेज मानना है, ये वेज मान लिया, ठीक है। और लोअर एक्सियल ग्रुप्स कौन से हो गए, गोला लगा देती हूँ स्टार के, एक येरा और एक येरा, ये लोअर एक्सियल ग्रुप्स हो गए। तो इनको क्या मानोगे आप, डैश, ये डैश हो गए, ठीक है। अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दें, आप इस क्वेश्चन को इजी वे में कर सकते हैं। तो देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसके अंदर जो भी कार्बन एटम्स हैं उनको आप क्या कर लोगे, एक बार नंबरिंग दे लोगे। जैसे मान लो कि ये अपना वन नंबर मान लेते हैं, ये अपना टू नंबर मान लेते, तो वन पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, टू पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो अपने को कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि इसमें लोअर एक्सियल ग्रुप्स कौन से हैं और अपर एक्सियल ग्रुप्स कौन से हैं। तो देखिए ये वाला अपर एक्सियल ग्रुप है और ये वाला लोअर एक्सियल ग्रुप है, ये अपर एक्सियल ग्रुप हो गया और ये लोअर एक्सियल। तो अपर एक्सियल ग्रुप को आप क्या मानोगे, वेज मानोगे। और इस पूरे के पूरे क्या करोगे आप, यहाँ से उठा के यहाँ अपने को ड्रॉ कर लेना है। तो ये वेज हो गया, वेज पे कौन है, हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो गया, इक्विटोरियल पे कौन है, OH। और फिर अपने को क्या करनी है, इसके अंदर नंबरिंग देनी है। नंबरिंग यही चेक कर लेना, क्योंकि जैसे आप यहाँ नंबरिंग दोगे तो आप दोनों को क्या मान लोगे, कार्बन मान लोगे, नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना है नंबरिंग। तो देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली कार्बन कार्बन जुड़े हुए, तो एक नंबर इसको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ये नीचे वाले को क्या नंबर दोगे, दो नंबर, और इसको क्या दोगे, तीन नंबर, और ये चौथा क्या आ जाएगा, चार नंबर। तो ये चार नंबर हो गया, ये तीन नंबर हो गया,
और ये कितने नंबर हो गया, दो नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे, ये वन नंबर हो गया, तो वन से टू, टू से थ्री आपको रोटेट करना है। कैसे रोटेट कर रहे हो, आर आर है, और अपना फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे, वेज पे है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो इसका आंसर अपने पास में क्या आएगा, एस। ठीक है, अब ऐसे ही ये वाला ग्रुप देखो, नीचे वाला, इसके अंदर क्या है, लोअर क्या ग्रुप क्या को एक्सियल होता है, उसको अपन क्या मानते हैं, डैश मानते हैं। तो ये वाला डैश हो गया और ये सी एल हो गया, और यहाँ पे कौन है डैश पे, सी ओ ओ एच। ठीक है, समझ में आ गया सबको, क्या है लिखा अपन ने, सीओच। अब इस के अंदर अपन नंबरिंग चेक दे देंगे, जैसे ही अपन नंबरिंग दोगे वो कि वो नंबरिंग आपको यहाँ देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, सी एल जुड़ा हुआ है, तो इसको एक नंबर दे देंगे। अब इस कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़े हुए, तो इसको क्या दे दोगे, दो नंबर। फिर ये वाला क्या जाएगा, तीन नंबर, और ये वाला चार नंबर। तो मैं स्टार लगा देती हूँ इसके अंदर, जो भी नंबरिंग दी है अपन ने, ये देखो। ठीक है, अब वही नंबरिंग याद दे देंगे, ये दो नंबर हो गई, ये कितने नंबर हो गया, वन नंबर, और इसकी प्रायोरिटी तीन, और इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई, चार पे। ठीक है, अब अपने को पता है कि यहाँ पे न तो वेस पे न डैस पे कोई ग्रुप नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर इवन चेंजेस करोगे। जैसे ही आप इवन चेंज करोगे, तो देखिए मान लीजिए कि अपने को फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप का लिया है अपन, डैश पे लिए हैं, तो जो सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो फोर्थ वाले की जगह चला जाएगा, और तीसरा और ये पहला, एक बार चेंज और करेंगे। देखो ये डैश हो गया, अब देखिए इसके अंदर ये फर्स्ट और थ्री को चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, यहाँ मान लेते हैं थ्री, और ये टू वैसा का वैसा, और ये फोर्थ। अब अपने को यहाँ पे क्या मिल गया, आइडेंटिकल ग्रुप मिल गया, जो भी अपना कंपाउंड है वो आइडेंटिकल हो गया, जैसे आपने इवन चेंजेस किए। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, अब इसमें क्या करना है आपको, रोटेशन करना है, तो वन से टू, टू से थ्री, तो वन से टू, टू से थ्री की, और फोर क्या है, डैश पे है, तो अपने आप चला जाएगा आगे की तरफ। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आपका, एस कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अपन रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस, और एस का एस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पे है, डैश पे है। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको, ओके।